आधार बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की। तो पहला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओके तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले हम। सी डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू और रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यहां पर हम बात कर रहे हैं टेंजिबल असेट की, टेंजिबल असेट की कॉस्ट में जो रिडक्शन होता है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब सवाल यह है कि टेंजिबल असेट क्या होता है। तो देखो टेंजिबल असेट मतलब वो सभी असेट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इसके अलावा मशीनरी एक्सेट्रा। लैंड की वैल्यू कभी इससे कम होती नहीं है इन जनरल केस, तो बाकी चीजों में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, बाकी बाकियों की वैल्यू कम होती है। ओके फिर एक सवाल आता है कि इनटेंजिबल असेट क्या होते हैं, तो इनटेंजिबल असेट भी देख लेते हैं। इनटेंजिबल असेट मतलब कि लाइक गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे हम IPR बोलते हैं, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट। ये सारी जो चीजें हमने इंटेंजिबल में पढ़ी है इन्हें हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन ये असेट होती है और ये हमारी कंपनी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ओके तो अगला सवाल हमारा आता है कि आखिर ये डेप्रिसिएशन मतलब होता क्यों है, मतलब क्या कारण से किसी भी असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो हम उसके रीजन देखते हैं। तो देखो इसके मेनली तीन रीजन होते हैं। पहला तो होगा कि मैं अगर किसी भी असेट को, मान लो मेरे पास एक मोटरसाइकिल है उसको मैं यूज कर रहा हूँ मैं, तो उसके टायर रोज चल रहे हैं तो सड़क पे चलेंगे तो खिसाएंगे उसके टायर, उसके पुर्जे रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, लाइक उसके जो गियर वगैरह है वो खिसाते हैं। ओके तो उसके कारण, यूज करने के कारण जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है उसे हम बोलेंगे वियर एंड टियर। क्या बोलते हैं उसका, वियर एंड टियर। तो ये किसके कारण होता है, यूज करने के कारण है, कोई टूट फूट हो गए उसके कारण भी। ओके यूज करने के कारण या टूट फूट के कारण उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ वो आता है वियर टियर। सेकंड आता है हमारा कि मान लो मेरे पास एक आईफोन था, आईफोन 8 आया, तो आईफोन 7 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है। ओके तो जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने के कारण जो वैल्यू में रिडक्शन आता है उसे हम कहते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलो उसको, ऑब्सोलेंस। थर्ड आता है हमारा फिर कारण कि कुछ असेट्स की वैल्यू टाइम के साथ रिड्यूस होती, कम डिक्रीज होती जाती है। ओके टाइम के साथ में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ऐसे असेट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जब भी गाड़ी में लुब्रिकेशन करते हैं तो हम अगर एक साल तक गाड़ी को नहीं भी चलाएंगे तो हमें एक साल के बाद वापस से फिर लुब्रिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो लुब्रिकेशन खत्म हो चुका है, तो इस कारण हमारी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन है। ओके तो एक वो भी फैक्टर टाइम के कारण तो रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम। तो ये तीन कारण होते हैं हमारे किसी भी असेट के डेप्रिसिएट होने के। ओके हमने देख लिया कि असेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, टेंजिबल असेट क्या होता है, इनटेंजिबल असेट क्या होता है। फिर हमने देखा कि क्या क्या कारण होते हैं, वियर एंड टियर क्या होता है, ऑब्सोलेंस क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ टाइम में क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है असेट की वैल्यू रिड्यूस तो हो रही है पर हमें जरूरत क्या है कि हम इसको कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन को उसको यूज करें, हम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे इसको एंट्री करते हैं, वो ये बहुत सी चीज आती है, तो हम वो देखते हैं हम किसका नीड क्या है, जरूरत क्या है। ओके तो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा नीड। हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लिंक से हटके बात करते हैं, हम बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। ओके मान लो कि मैंने किसी चीज के लिए इंश्योरेंस लिया, मैंने
मेरी कंपनी में, मान लो फायर इंश्योरेंस किया मैंने, ओके, उसकी प्रीमियम मुझे भरनी है 1000 रुपीज पर ईयर। मैंने क्या करा कि शुरू में ही जब मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा था, तो मैंने 10,000 रुपीज हर साल के झंझट से बचने के लिए 10,000 रुपीज इकट्ठे भर दिए 10 साल के लिए। मतलब क्या, मेरी फैक्ट्री 10 साल के लिए फायर से सिक्योर हो गई। अब लेकिन जब मैं 2018 में फाइनल में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करूंगा, तब तो मेरे कितने रुपए का मेरा क्या थे 2018 की प्रीमियम, मेरी 2018 की प्रीमियम थी 1000 रुपीज। मैंने प्रीमियम में करा, मतलब कि मैंने ये क्या करा, मैंने एक्सपेंडिचर करा 1000 रुपीज का एक्सपेंस करा, बाकी सब 9000 रुपीज वैल्यू आती, 9000 रुपीज जो है जो कि बाकी 9 साल का मैंने पे कर चुका हूं। मैं वो 9 साल का क्या है, मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस। और ये प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी एक्सपेंस में नहीं आता, ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरा असेट है। ओके, जबकि मैं कब तक असेट से रहेगा, जब तक कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये प्रीमियम बन के कट नहीं जाता 9 साल में, मतलब कि 9 साल में धीरे धीरे हर साल 1000 रुपए कम होगा मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। 2019 में ये 8000 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस रह जाएगा और 1000 रुपीज मेरा प्रीमियम वापस से कट जाएगा। 2020 में फिर से यहाँ पे 1000, यहाँ पे 7000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस साल में जितना हम प्रीमियम दे रहे हैं उतना ही हम चार्ज करो, उतना ही हमारा एक्सपेंस होता है, बाकी का हमारा असेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम यही बात किसी मशीनरी के लिए करें, मशीनरी में मान लो मैंने एक मशीन परचेज करी 1,00,000 रुपीज में 10 साल के लिए, मतलब कि मैं हर साल, मतलब कि अगर 10 साल के लिए टाइमलाइन बनाओगे, ओके, फर्स्ट ईयर 1 ईयर 2 ईयर काइंड ऑफ, तो हर साल में मशीन के लिए कितने रुपए अलॉकेट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 1,00,000 रुपीज, ओके, हर साल में 1,00,000 रुपीज अलॉकेट कर सकता हूँ। मतलब कि हर साल मैंने 1,00,000 रुपए की मशीन यूज कर ली, बाकी 9,000 रुपीज की मशीन अभी भी मेरे अकाउंट मेरे पास में एक असेट के फॉर्म में पड़ी हुई है, ओके। तो ये 1,00,000 रुपीज रहेगा मेरा 2018 का, अगर बात करूं 2018 की मशीन के लिए, तो 1,000 में 1,00,000 में से 10,00,000 में से 10,000 रुपीज जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा डेप्रिसिएशन, उसको बोलूंगा, मतलब कि एक्सपेंस ही मेरा यहाँ पे हो गया मशीन के केस में डेप्रिसिएशन, जबकि जो 90,000 रुपीज है वो मेरा असेट के फॉर्म में एंटर हो। तो आपको ये चीज समझ में आई कि देखो यार, अब मैं जिस साल में डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो मेरा एक एक्सपेंस हो रहा है, मेरा एक लॉस हो रहा है, जबकि जो असेट है मेरा वो मेरा असेट के फॉर्म में अभी पड़ा हुआ। इसको हम एक बैलेंस शीट के और फॉर्म में समझते हैं। अब हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, अब उससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा चीज कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब एक होता है ना, हम सब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट में हम डेबिट साइड में क्या रखते हैं, डेबिट साइड में रखते हैं ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड लॉसेस। तो क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड में रखते हैं इनकम एंड गेन। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आते हैं हमारे असेट्स और क्रेडिट साइड में आते हैं हमारी लायबिलिटीज। अब जब मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहा था, मैं तो जब मैंने अपने 10,000 को अपन ने इंश्योरेंस प्रीमियम केस में अपन इसको बाय फैक्टर करा था अपन ने कि 1000 रुपीज प्रीमियम और 9,000 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस, ओके सॉरी 9,000 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस। तो 9,000 ये आएगा असेट में, 1,000 रुपीज है वो आएगा हमारा एक्सपेंस। क्या समझ में आपको, ठीक इसी प्रकार से
जब मैं 1 लाख रुपीज की तो मशीन के केस में इसको डिवाइड करूंगा मैं, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा मेरा और 90,000 रुपीज जो मेरा अभी भी मशीन के फॉर्म में मेरे पास है। ओके, तो 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है, वैसे आते हैं प्रीमियम इंश्योरेंस केस में और डेप्रिसिएशन इसके मशीन के केस में डेप्रिसिएशन आ गया मैं 90,000 रुपीज, 9,000 रुपीज जो है ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस के केस में के फॉर्म में असेट में आ गया, जबकि 90,000 रुपीज है वो मेरा मशीनरी के फॉर्म में असेट में आ गया, राइट। मतलब कि 90,000 में यहाँ पे एंट्री कर एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन की एंट्री में पीएनएल में करता हूँ। पहला तो मैं अच्छा ठीक है, मान लो मैंने कर दी एंट्री, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी पर मुझे क्या मिला फायदा डेप्रिसिएशन का, मतलब फिर क्वेश्चन में अभी भी जो वही है कि नीड क्या है इस चीज की, इतना है कि अलग अलग लिखने की। मान लो अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखता, ओके, और पीएनएल में मुझे लास्ट में प्रॉफिट होता 5 लाख रुपीज, पर डेप्रिसिएशन लगाने से 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर एक्सपेंस के फॉर्म में लगाने से मुझे प्रॉफिट हो रहा है अब सिर्फ 4 लाख का। तो इससे मुझे फायदा क्या है, पहली चीज ये है कि जो प्रॉफिट कम है मतलब कि मुझे इन्वेस्टर्स को ऑनर्स को यहाँ से कम पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि उनको प्रॉफिट जो डिविडेंड के फॉर्म में दूंगा कम लूंगा पैसा में। ओके, तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन 10 साल तक मैं बचा रहा हूँ। अब 10 साल के क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल से प्रॉफिट हुआ, पैसा तो मेरे पास 5 लाख ही आया था मेरे पास में, और 4 लाख रुपए डिविडेंड के फॉर्म में 1 लाख रुपए अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग में करूंगा उसमें मैं इसको काउंट कर लूंगा 1 लाख रुपीज को, क्योंकि डेप्रिसिएशन के फॉर्म में मेरे पास बचा हुआ है। ओके, तो मैं इसे हर साल का 1-1 लाख रुपए में इकट्ठा कर रहा हूँ, 10 साल में 10 लाख रुपए कर लेता हूँ मैं, तो 10 साल के बाद जब ये मशीन मेरी ऑब्सोलेट हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी, तब मैं बिना किसी कहीं से पैसा रेस करे खुद के पास से ही नई मशीन खरीद के ला सकता हूँ। ओके, तो मुझे ये एक फायदा मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन के फॉर्म में कुछ पैसा कम करते जाता हूँ, जिससे कि मुझे 10 साल के आखिरी में नई मशीन खरीदने के लिए कहीं से पैसा नहीं रेस करना पड़े, मेरे पास खुद के पास ही इतना कैपिटल रहे कि मैं नई मशीन परचेस कर पाऊँ। तो ये हमने देखा डेप्रिसिएशन की नीड क्या है। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है नीड तो बात कर ली, अब अगला टॉपिक डिस्कस कर अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बात एक चीज बताता हूँ। मैंने एक बाइक खरीदी, राइट, वो बाइक मैंने 2 साल चलाई, 2 साल चलाने के बाद में मैंने तो 70,000 रुपीज में परचेज करा, मैंने उसको 2 साल चलाया, 2 साल के बाद में मैं उसको सेल आउट कर दिया। जब मैं सेल आउट करने गया तो मैं 2 डीलर के पास गया, मैंने बोला 70,000 रुपीज प्राइस है बाइक की, मैंने इसको 2 साल चलाया है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। डीलर ए के पास गया, डीलर बी के पास गया, डीलर ए को सब मैंने बाइक दिखाई, उसके बारे में सब चीज बताया उसको मैंने, तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे इस बाइक के 56,000 रुपीज वापस दे सकता है। जबकि जो डीलर बी था उसने मुझसे बोला कि मैं आपको 56,000 नहीं 56,300 रुपीज वापस दे सकता हूँ, सॉरी 56,700 रुपीज में वापस दे सकता हूँ। ओके, तो मुझे एक चीज समझ, 700 रुपए मुझे अलग से किस बात के मिल रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। मैंने इनसे पूछा कि सर आपने किस हिसाब से 56,000 दिए दे रहे हो, जब उन्होंने बोला हमने आपको 10% डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% पर ईयर का। तो मैंने बी से पूछा कि आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मुझसे, मुझे लगा इन्हें ये कम करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज इसलिए इतना फॉल आ रहा है, तो उन्होंने बोला हम भी 10% ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम। ओके,
डेप्रिसिएशन सेम था फिर भी प्राइस में डिफरेंस आ रहा था। ओके तो मैंने ये थोड़ा हिसाब लगाया, तो ए ने बोला कि ठीक है हमने फर्स्ट ईयर में क्या चार्ज करा, फर्स्ट ईयर में जो 70,000 रुपीज प्राइस था बाइक का उसमें मैं 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, आया 7,000 फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का भी 10% है, टोटल 14,000 होता है, 70,000 में से 14,000 का 56,000 रुपये का मुझे देने को रेडी है। बी के बाद मैंने बताया बी को भी देखो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन भी करके बता दिया, आप मुझे फिर भी 750 रुपये ज्यादा दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली बात है कि ए जो है उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीका हमारा अलग है, कैसे अलग उन्होंने उनका तरीका बताया। उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 70,000 का 10% से 7,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करा, फिर सेकेंड ईयर में उन्होंने बोला कि यार देखो 7,000 रुपए का तो मैं तुम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकूं, तुमका 7,000 रुपए का तो एक्सपेंस तुम्हारा लॉस हो चुका है, तो मैं सेकेंड ईयर में 70,000 का क्यों करूं चार्ज, 70,000 का नहीं सकता मैं 7,000 रुपीज माइनस करके 63,000 बच गए, तो मैं 63,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, डिफरेंस आया वो यहाँ से आया, बी ने जो रिमेनिंग वैल्यू है रिमेनिंग वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, जबकि ए ने जो एक्चुअल वैल्यू उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा। ओके तो ये एक फर्क होता है, इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा इसमें हमको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जबकि जो बी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा उसे हम क्या बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके तो ये था हमारा ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने की दो मेथड होते हैं हमारे पास, तो हमारा फोर्थ पॉइंट इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है। नाउ ठीक है दो मेथड में लगे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, स्ट्रेट लाइन मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, पर अब सवाल एक और उठता है कि यार ठीक है दो मेथड है हमारे पास में लेकिन जरूरत क्या दो मेथड की, कहां पर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं कहां पर मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करूं। तो आपने एक और टर्म सुना होगी मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट देखो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, मान लो ए बी, मान लो एक ऑटोमोबाइल है बाइक है और दूसरा है एक सिंपल मोबाइल मोबाइल फोन है, ठीक है चाइना का स्पेशली चाइना का मोबाइल फोन, बाइक जो है उसमें मैं हर साल हर 3-4 महीने मुझे उसकी मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उसमें कुछ रिपेयर का खर्चा आता है कुछ ना कुछ, उसके अलावा 3-4 साल चलाने के बाद में हो सकता है तो इंजन खुलवाना पड़े उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, बाइक में खुद कुछ मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज लगता रहता है। चाइना में मोबाइल ऐसा है यूज करो 2-3 साल तक और फिर थ्रो कर दो, ओके आपको जो भी रिसेल वैल्यू मिलना होगी 10,000 की 14,000 तो 500 रुपये मिल जाएगी। जब भी मैं बी काइंड ऑफ ऐसा चाइना मोबाइल काइंड ऑफ असेट परचेज करता हूँ उसमें मैं लगाता हूँ स्ट्रेट लाइन में ट्रक ऐसे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज, जबकि जब भी मैं ऐसे बाइक करके असेट परचेस करता हूँ जिसमें कि मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है रिपेयर चार्ज लग रहा है टाइम के साथ ये चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, उस केस में हमेशा कौन सा मेथड यूज करता हूँ मैं रिटर्न डाउन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
अच्छा ऐसा क्यों कि मैं इस टाइप की, ऐसा मैंने क्यों करा कि मेरे पे मेंटेनेंस चार्जेस लग रहा है तो मैं इस टाइप के ये वाला बटन यूज कर रहा हूँ, नहीं लग रहा तो ये वाले बटन यूज कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक चीज देखी रिटर्न डाउन वैल्यू में कि ना पहले साल डेप्रिसिएशन 7,000 लगा था, दूसरे साल 6,300 ही लगा था और चौथे साल और कम लगा था, मतलब कि डेप्रिसिएशन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि जो रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होते जा रही है। तो जब डेप्रिसिएशन 7,000 था उस टाइम हो सकता है कि रिटर्न